नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होता है वो है यूकेरियोटिक सेल के बारे में, यूकेरियोट प्लांट सेल के बारे में। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल तीन पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। आउटर सेल वॉल जो कि सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है, इनर सेल वॉल जो होती है वो जिलेटिनियस, जिलेटिन और पैक्टिन से बनी होती है, और मिडिल पैक जो वॉल होती है वो जिसमें पैक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। एनिमल सेल और में जो सेल वॉल होती है उसमें यहाँ पर एनिमल सेल प्लांट सेल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन की सेल वॉल में ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स और पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, जो कि जो इसके चारों ओर ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है जो कि एंजाइम और एंटीजन इसके अंदर पाए जाते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल के स्थान पर यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है वो पाई जाती है। इसके साइटोप्लाज्म को देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो कंडीशंस इसके अंदर पाई जाती है, ये होमोजीनियस होता है यानी समांगी होता है, ये कोलाइडल होता है, कोलाइडल फ्लूड होता है, यानी कि ये नॉन ग्लैंडुलर होने पर, अकणिकामय होने पर एक्टोप्लाज्म या कॉर्टेक्स कहलाता है तथा ये पेरिफेरल पार्ट बनाता है। और साइटोप्लाज्म में थाइक्सोट्रोफिज्म को शो करता है, ये इसका विशेष गुण इसके अंदर होता है जिसके कारण ये सोल से जेल में और जेल से सोल में बदल जाता है। इसे हैप्लोप्लाज्म भी कहा जाता है। इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पाए जाने के कारण इसे ट्रोफोप्लाज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो विशेष कैरेक्टर पाया जाता है वो है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में पाए जाने वाला सेल ऑर्गन है। ये अपवाद रूप जैसे एनिमल सेल के अंदर जैसे यूग्लिना और पैरामीशियम में पाया जाता है। इसमें प्लास्टिड जो होता है वो स्वयं का डीएनए होने के कारण सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, और इसमें जो ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये क्लोरोफिल, ग्रीन क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को करता है। इसके अंदर जो दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण यह अगर रंगहीन होने पर ल्यूकोप्लास्ट, फियोप्लाज्म, रोडोप्लास्ट, कॉर्क में ये प्रेजेंट्स होते हैं, कैरेट में, कैरोटिनॉइड्स में, जेंथोफिल्स में ये प्रेजेंट्स होते हैं। इसी प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है, रफ एंड स्मूथ, और ये तीन प्रकार की मेन स्ट्रक्चर को शो करती है। सबसे पहली है तीन प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती है, क्रिस्टी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरेट, ग्लाइकोजेंस सिंथेसिस में ये भाग लेते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है उसे हम यहाँ पर डिक्टियोसोम्स कहते हैं। इसका मुख्य कार्य स्लेल सेल की प्लेट को फॉर्मेशन करना है। एनिमल सेल में यह स्पर्म में एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स जैसे हाइकोटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें जो होते हैं वो डाइजेशन के लिए पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम्स। फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया इसके अंदर होती है, पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया भी इसी के अंदर होती है जो डाइजेशन का काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोबॉडीज पाई जाती हैं जैसे ग्लाइऑक्सिसोम्स, पर ऑक्सिसोम्स, स्पिरोसोम्स,
एक्सेट्रा। ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या होते हैं? ग्लाइऑक्सिसोम्स जो होते हैं वो ये सेल की जो साइकिल होती हैं के एंजाइम्स होते हैं, जैसे आइसोसिट्रेट लाइगेज मैलेट सिंथेटेज को फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करते हैं। इसी तरह प्रोक्सिसोम्स परऑक्सिसोम्स जो होते हैं ये हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 का प्रोडक्ट है। यह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लाइकोलेट के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। स्पिरोसोम्स हैं, ये भी इसमें भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। ये एंजाइम्स जैसे एसिड हाइड्रोलेज, एसिड राइबोन्यूक्लिएज, एसिड फास्फेटेज इत्यादि, ये फैट के सिंथेसिस को, ये वसा के संश्लेषण, उसके संग्रहण और उसके ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। सेंट्रोसोम्स जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल या यूकेरियोटिक सेल की जो होती है उसके अंदर सीलिया बेसल बॉडीज और फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। सीलिया जो होते हैं सेल के सरफेस पर पाई जाने वाली एक आउटग्रोथ होती है। फ्लैजिला होती है जो साइटोप्लाज्म के अंदर ब्लीफेरोप्लास्ट से इसकी उत्पत्ति होती है। इसमें 9+2 का स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है। ये इसका फंक्शन है, ये स्पेंडल अपेरेटस में फाइबर्स प्रोड्यूस करने में सेल डिवीजन के समय उसको बनाने में मदद करता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आने वाले डिफरेंस मेनली इसके अंदर आते हैं।